ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी सुप्रीमो व हैदराबाद एमपी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और मजलिसी फ्लोर लीडर व खबीब मिल्लत चंद्रायन गुट एमएलए अकबरुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर आज बतारीख 14 जुलाई बरोज़ इतवार को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नामपली एमएलए मोहम्मद माजिद हुसैन ने नामपली असम्बली हल्के के तहत आने वाले तमाम आशूर खानों की जियारत करते हुए यहाँ पर अलम मुबारक पर ढट्टी चढ़ाई और तमाम तर इंतजाम का जायज़ा लिया। इस मौके पर इनके हमरा मल्लेपल्ली डिवीजनल कॉरपोरेटर जफर खान और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के एक्टिव वर्कर मिर्ज़ा शब्बीर अली बेग और दीगर जिम्मेदारान व शिया कमेटी के अहलकार भी मौजूद थे। इस मौके पर नामपली एमएलए मोहम्मद माजिद हुसैन ने तमाम आशूर खानों में वाइट वॉश, फॉगिंग और साफ़ सफाई व लाइटिंग वगैरह के इंतजाम का बारीकबीनी से जायज़ा लिया। आइए देखते हैं इस खसूस में चंद मनाजिर। पेश है DTV9 की एक खसूसी रिपोर्ट। सदर मोहतरम अली जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब और माजिद साहब नामपली एमएलए साहब की हिदायत पे आशूर खाना अहले बैत में पूरे कलर और क्या बोलते सो लाइटों के फोकस लाइट और पूरा जंगल कटिंग के पूरे काम हुए और हजरत अब्बास आशूर खाने में क्या कलर और टेम्परवरी लाइट्स स्पीड ब्रेकरों का भी वहाँ लोग बोले थे वो भी करे और हुसैनी अदा मासब टैंक उसमें भी क्या बोलते सो कलर और फोकस लाइटों का पूरा इंतज़ाम किया गया और मुहर्रम के मौके पे पूरे आशूर खानों के नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम आशूर खाने का पूरा ज़ेर निगरानी में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काम करती है। शुक्रिया।